अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलमी रब्बी किचन में मैं हाज़िर हूँ और मैं खुशामदीद कहती हूँ छोटी सी दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जाने जा रही हूँ चिकन और आलू की झटपट बनने वाली रेसिपी है बिरयानी, तो मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो आप देखें, ट्राई करें। मैंने दो प्याज काटे थे, ये मैं ब्राउन कर रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल का लिया है, ठीक है जी। और 2 दरमियानी प्याजें, तो इसको मैंने डालती है, तो ब्राउन हो रहा है प्याज हमारा। और 1/2 किलो गोश्त, और मैंने चावल, सेला चावल जो होता है बिरयानी वाला, वो मैंने 3 प्याले लिए हैं। तो 3 प्याले जो है ना, 3 पाव जैसे 750 ग्राम चावल, ग्राम का हिसाब है, 750 ग्राम चावल है, ठीक है जी। वो मैंने भिगो दिए हैं पानी में, कम से कम 3 घंटे चावल भिगेंगे वो। अब ये हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, तो बहुत जल्दी बन जाती है ये बिरयानी आलू की चिकन की, बहुत जल्दी तकरीबन 6 से 7 मिनट में तैयार हो जाती है। तो बनाइएगा आप, ट्राई कीजिएगा। प्याज ब्राउन हो रहा है हमारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगा। मेरा इसको नीचे लिया मीरा। हाँ आपको बोला यार नीचे। मीरा बाद में रिकॉर्ड करेंगे ना मेरी आवाज़। ओ मीरा, प्याज हमारे ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैं तो आधी प्याज निकाल लूंगी। और थोड़ी प्याज इसके अंदर ही छोड़ देंगे। ये तेजपात के पत्ते लिए मैंने, इशारा से 1 चम्मच मैंने जीरा, 1 लौंग, दालचीनी और ये काली मिर्ची, और ये थोड़ी से मैंने ये पत्तरी ली है, और ये लौंग ये इसमें डाल रही हूँ मैं। अब गलत को करना है, थोड़ा ये लहसुन डालूँगी 1 चम्मच मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट किया है, हरी मिर्च के ये तवरी मैंने लंबी लंबी काट ली है, डाल दी है मैंने। और चिकन मैंने धो के रख दिया है, तो वो साफ करके और फिर उसके चिकन डाल रही हूँ मैंने धो के, 5 मिनट पहले साफ करके रख दिया था इसको, तो ये इसमें डाल रही हूँ। हिलाना है इसको, ऊपर नीचे कर दें, बिरयानी तो मैंने और भी मुझे से बनाई है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिरयानी झटपट बनने वाली है। इसमें मैंने एक आलू डाल दिए, तकरीबन 4 के करीब आलू लिए मैंने, लेकिन दरमियाने साइज़ के थे, वो मैंने डाल दिए। और टमाटर मैं काट रही हूँ साइड में, तो टमाटर कुटी मिर्ची डाल दिए, तकरीबन 1/4 चम्मच कुटी मिर्ची, छोटा चम्मच 1/4 चम्मच है, पूरा भर के नहीं डालना है मैंने। टमाटर कट गए, टमाटर डाल देंगे, ये
का मसाला साबुत लिया। अब नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, नमक डाल दिया इसमें ताकि ये बोटियों में घुल मिल जाए, आलू में मिक्स हो जाए और कम तेल में होगा तो वो आपके ऊपर है। बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया इसको। अब 5 मिनट हो चुके हैं, ये सौंफ है और ना धनिया साबुत, इसको मैं थोड़ा सा मोटा गड़गड़ा कूटूंगी, भून के रख दिया था मैंने तो ये कूट रही हूँ इसके अंदर ना इमाम दस्ते में। ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, मोटा गड़गड़ा सा। इसमें डाल रही हूँ, और धनिए की थोड़ा खुशबू आ जाती है तो बिरयानी की तरह जायका इसके अंदर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा डालना पड़ता है ऊपर से, ये यखनी पुलाव बनाते तो उसमें उबालने में डाल देते हैं हम, इसको उबालेंगे नहीं तो हम लोग ऐसे कच्चा बना रहे हैं ताकि जल्दी बन जाए। पानी डाल रही हूँ मैं चावल के हिसाब से, ये तकरीबन 3 प्याले चावल थे तो 6 प्याले मैंने पानी दिया। ये चावल दिए, ये 3 प्याले हैं तो 3 प्याले 3 पाव हो गए, ठीक है जी। एक पाव का एक प्याला होता है, 3 पाव चावल है और इसमें तकरीबन 750 ग्राम है, ग्राम लगाए तो 750 ग्राम है। ये मैंने डाल दिए और नमक अगर आप इसमें चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा डाल दें, लेकिन मेरे यहाँ तो थोड़ा सही खाया जाता है, कम थोड़ा ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाते। ये मैंने एक प्याला पानी और डाला है इसमें, ये चावल फूलेगा अच्छी तरीके से। दो मिनट के मैंने कवर कर दिया ढकना बंद करके, अभी ये उतार रही हूँ। देखो चावल हमारे अच्छे से फूल भी गए हैं और पक भी गए हैं अच्छी तरीके से। पूरा माशाल्लाह पतीला भर गया है, चावल में थोड़ी सी कनी है इसमें, थोड़ी मामूली सी है ये देखिए, लेकिन इसको मैं अब दम लगा दूंगी। इसे पुदीना लगा रही हूँ ऊपर से मैं, ये कलर डाल दिया मैंने जर्दे का, जो मैंने प्याज ब्राउन बचाई थी तो वो प्याज मैं डाल रही हूँ, जो मैंने शुरू में निकाली थी आधा प्याज जो निकाला था ये मैंने लगा दिया इसको ऊपर से। अब इसको ऊपर से जो है ना ढकना बंद कर दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब ये देखें मैं चावल अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा यही हमेशा आपसे कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो बहुत अच्छी रेसिपी झटपट बनने वाली है, तो बस मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, ठीक है जी। और ना गुल मीरा किचन में दोबारा हाज़िर होंगी, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।